हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोगों ने देखा है कि केवीएस की साइट पर अभी एक रिसेंट पोस्ट वायरल हो रही है जो कि 12 सितंबर को एक नोटिस है जो कि रिलीज हुई थी, और उस नोटिस में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर एंड एनुअल ट्रांसफर के बारे में लिखा हुआ, ये दो चीजें लिखी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो ये ढूंढ रहे हैं कि इससे जो वैकेंसी है उसका क्या रिलेशन है, तो इसको भी मैं बताऊंगा। एंड ज्यादा नहीं, आपके 3 से 4 मिनट मैं लेने वाला हूं और उसमें सब सारी चीजें क्लियर कर लेता हूं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर होता है वो होता क्या है और किस किस बेस पर होता है। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि ये डायरेक्ट कमिश्नर के थ्रू किया जाता है, मतलब आपकी डिमांड पर नहीं होगा। जैसे होता क्या है कि अगर आप केवी में टीचर हो तो आपको 1 साल में मौका मिलता है, आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो ट्रांसफर के लिए। लाइक अगर आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर की, फैमिली पर्सन की डेथ हो गई हो, ओके, या मेडिकल बेस पे आप ग्राउंड पर हो एंड आप स्पाउस यानी कि आपकी कह सकते हो वाइफ या हस्बैंड अगर किसी और जगह पे एम्प्लॉय हैं तो उसके थ्रू भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट जोन में हो और आप अपना ट्रांसफर अलग जगह कराना चाहते हो तो वो एक रिक्वेस्ट होती है जिसको जनवरी में अलाउ किया जाता है, जनवरी में उसकी लिस्ट आ जाती है और मार्च तक उसके ट्रांसफर की प्रोसेस खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया एनुअल ट्रांसफर की प्रोसेस। इतनी चीजों पर डिपेंड करता है, नंबर फर्स्ट डेथ फैमिली पर्सन का अगर हो जाए या मेडिकल ग्राउंड हो या स्पाउस हो। देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पाउस का। स्पाउस को एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में नहीं डाला जाता है। ठीक है, मतलब कि स्पाउस के बेस पे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर जब होगा तो ये स्पाउस का बेस हट जाता है, बहुत क्लियर कट ये निकाल दिया जाता है। मतलब अगर किसी के फैमिली, जैसे मान लो आप एक केवी टीचर हो, ठीक है, और आपके फैमिली में किसी पर्सन की हो सकता है कि उस टाइम पे अगर किसी भी पर्सन की किसी के डेथ हो जाती है तो उसको ट्रांसफर मिल सकता है, ओके, या आपकी बॉडी में बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिससे आप मेडिकल चाह रहे हो, या अब जैसे लाइक कैंसर, कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जिनकी वजह से आपको फैमिली से ही कनेक्ट रहना पड़ता है, जो फैमिली उसकी देख रेख कर सकती है, तो आपको इस बेस पे भी ट्रांसफर वहां पे मिल सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर जो होता है उसके अंदर। ठीक है, तो एक सिंपल वर्ड में समझिए कि स्पाउस का जो कोटा होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं होता, ओके, तो मतलब स्पाउस का जो कोटा होगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं होगा, मतलब ये समझिए कि इस बार केवीएस स्पाउस के बेस पे ट्रांसफर नहीं करने वाला, ओके, समझ में आ गई बात। अगर मैं बात करता हूं कि अब एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, दूसरी चीज ये होती है कि मान लो कोई जोन है, ठीक है, जैसे वाराणसी एक जोन है, ठीक है, केवी का। अब अगर वाराणसी के किसी स्कूल में ज्यादा टीचर है और किसी स्कूल में कम टीचर है तो वो ट्रांसफर जोन टू जोन, मतलब उसी जोन में होने वाला है, मतलब जोन से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में जोन से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा, गॉट इट, सेम उसी जोन में होने वाला है, जिस जोन में स्कूल में कम टीचर होंगे वहां पर उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिस जोन में, उसी जोन के जिस स्कूल में ज्यादा टीचर होंगे, ज्यादा टीचर वाले स्कूल में से टीचर्स को निकाल के कम टीचर वाले स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ओके। अब आगे की बात समझो, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के अंदर होता है वो होता है हार्ड स्टेशन। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जोन जो है, जो हार्ड स्टेशन होता है वहां से लोग निकल करके अपने घरों पे आना चाहते हैं तो वो ट्रांसफर एनुअल के बेस पर किया जाता है, ठीक है, एनुअल में आता है जो कि जनवरी में उसकी लिस्ट आती है और मार्च तक उसकी जो वैकेंसी है यानी कि जो ट्रांसफर करना होता है वो फुलफिल हो जाता है। ठीक है, तो हार्ड स्टेशन में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में हार्ड स्टेशन में नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो लोग होंगे उनका ट्रांसफर नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब इससे एक कंक्लूजन निकलता है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि केवी में इतनी वैकेंट सीट खाली है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये नहीं चाह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो पूरा का पूरा खाली हो जाए, नॉर्थ ईस्ट जोन जो है वो पूरा खाली हो जाए, क्योंकि वो हार्ड स्टेशन होते हैं, वहां कोई रहना नहीं चाहता, अगर जो अपना कोटा पूरा कर लिया होगा वो वहां रहना नहीं चाहता, वो चाह रहा है कि वापस वो अपने घर चला जाए, तो वहां से हटना चाहेगा,
तो इसीलिए एनुअल ट्रांसफर की प्रोसेस में वो रिक्वेस्ट डाल सकता है जिस प्रोसेस में कि उसे ट्रांसफर मिल सकता, तो वो नॉर्थ ईस्ट जोन खाली ना हो, इसकी वजह से ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर अप्लाई किया गया है। अब ये सारी चीजें मिलेंगी कहां, तो आप एक काम कर लेना, गूगल पे जाइए, ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ केवीएस 2021 की गाइडलाइन आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी, पढ़ डालिए जितना मन करे, उसमें सारी गाइडलाइन दी है। तो आप एक अवेयर स्टूडेंट बनिए, एक अवेयर एस्पिरेंट बनिए, इन इस तरह की वीडियोस में ज्यादा टाइम देने से अच्छा अपनी पढ़ाई पर, क्योंकि सिलेक्शन आपको वो 150 क्वेश्चन आपको वो ढाई घंटे कराने वाले हैं, और जिस स्टूडेंट को उस ढाई घंटे के अंदर वो 150 क्वेश्चंस के सारे ऑप्शंस समझ में आने शुरू होंगे, एक एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन समझ में आएंगे, वही सिलेक्शन ले पाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो सिलेक्शन के बाद ही आपके आने वाले हैं। बस हाँ, इनसे एक चीज क्लियर होती है कि केवी में वैकेंसी बहुत खाली है, ठीक है। और खाली क्यों, खाली इसलिए है क्योंकि देखो जैसे ही वहां से लोग ट्रांसफर हो जाएंगे वो एकदम निल हो जाएगा, वो जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वो निल होने के कगार पर आ जाएगा, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर को अपनाया गया। ओके, हाँ, अब अगर इसके अलावा कोई आपको मसाला जोड़ के बनाता है, कोई मसाला जोड़ के आपको बताता है, तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, जो फैक्ट और फिगर था वो उस पर मैंने बात किया है। सिंपल एनुअल ट्रांसफर में भी डेथ फैमिली पर्सन पे भी ट्रांसफर होता है, बट ये सब चीजें आपको 13th of June ऑफ द ईयर, उस साल के 30 जून तक आपको इन्फॉर्म कर देना होता है, तब जाके जनवरी में वो लिस्ट तैयार होती है और मार्च तक ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो डेथ फैमिली पर्सन यानी DFP आपको शॉर्ट फॉर्म में वहां पर मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो MDG यानी मेडिकल ग्राउंड के बेस पर ट्रांसफर होता है एनुअल ट्रांसफर में। तीसरा स्पाउस का कोटा, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर में मेंशन नहीं किया जाता है। ओके, तो ये कंक्लूजन था इस वीडियो का, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं 5 से 7 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा पूरा समझाने की। हाँ, एक चीज याद रखिए कि वैकेंसी खाली है, तो भाई सिलेक्शन उन्हीं का होने वाला है जो पढ़ेंगे, और हम बड़े ही तरीके से आपको 1000 MCQs पर सब्जेक्ट डेली सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें 5 क्लासेस आपको डेली मिल रही हैं। सुबह 9:15 बजे साइंस की क्लास मिलती है, फिर आपको हिंदी की क्लास 11 बजे मिलती है, फिर आपको 4 बजे मैथ की क्लास मिलती है, 6 बजे इंग्लिश या कंप्यूटर की क्लास मिलती है, और फिर से 9 बजे रात को EVS की क्लास मिलती है, और हम बहुत जल्द रीजनिंग एंड बाकी सब्जेक्ट भी स्टार्ट कराने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हो प्लीज कंसर्न होकर तैयारी कीजिए, बिकॉज देखिए सिलेक्शन आपके वो 150 क्वेश्चंस के बेस पर होगा, तो जो भी स्टूडेंट कंसर्न होकर के डेडिकेटेड होकर के तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं, जिनके अंदर कंसर्ननेस नहीं है वो मसाले वाली वीडियोस को कहीं भी देख सकते हैं। ये चीजें मेरी बुरी लगती हैं, लेकिन ये चीजें सच्चाई, अगर आप मसाले वाली वीडियोस को देखोगे तो सिलेक्शन से ठीक उतने ही दूर रह जाओगे जितने आप मसाले वाली वीडियोज को देखने पे समय गंवा रहे हो और जो काम की चीजें उस पर नहीं दे रहे हो, ठीक इतने ही दूर, ठीक है। सो थैंक यू, एंड आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, क्लियर समझ में आया होगा। थैंक यू।